नमस्ते दोस्तों, मैं झुमा घोष, आप सबको हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम एक डेजर्ट रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे, साई टुकड़ा। ये एक ट्रेडिशनल रेसिपी है। आज हम ये थोड़ा हेल्दी बनाएंगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छा लगा तब जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए नई रेसिपी देखने के लिए। आइए देखते हैं हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। ये हम ब्रेड लिए हैं। देखिए, ऐसे तो हम व्हाइट ब्रेड से साई टुकड़ा बनता है, लेकिन आज हम ये आटा ब्रेड लिए हैं। ये 100% होल व्हीट है। इसमें कोलेस्ट्रॉल और ये फैट का मात्रा 0 है। ये बहुत ही हेल्दी है। ये अमूल लाइट हम बटर लिए हैं, जिसमें फैट और कोलेस्ट्रॉल का मात्रा लो है। ये लो फैट मिल्क लिए हैं, अमूल ताज़ा। ये हमें 700 ml दूध लगेगा। और ये 4 tablespoon हम हनी लिए हैं। मधु चीनी हम नहीं यूज करेंगे। 2 से 3 इलायच हम इसे पाउडर करके रखे हैं। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, किशमिश, काजू बादाम और आमंड लिए हैं, जिसे हम छोटा टुकड़ा में काट लिए हैं, आमंड और काजू बादाम को। करीब 6-7 धागा केसर लिए हैं। आइए देखते हैं किस तरह से हम बनाएंगे। हम 6 slice ब्रेड लिए हैं। इसका आप साइड से काट भी सकते हैं, हम ये नहीं काटेंगे। पैन में हम दूध उबाल लेंगे। पहले 700 ml हम दूध इसमें दिए। हाई फ्लेम में हम करीब 15 मिनट दूध को थोड़ा घना कर लेंगे। पहले इसको हम बीच बीच में इस तरह से चलाते रहेंगे। इधर हम ब्रेड को तैयार कर लेंगे। आप ब्रेड को इस तरह से भी काट सकते हैं या बीच से भी काट सकते हैं। हम बीच से काटेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम 3 slice ब्रेड को एक साथ काट रहे हैं। 12 piece साई टुकड़ा होगा। 15 मिनट दूध उबाल लेने के बाद ये देखिए, हम फ्लेम को थोड़ा मीडियम कर लेंगे। इसको इस तरह से साइड से मलाई को मिक्स करते हुए हम उबालेंगे। इधर हम दूसरे ओवन में हम पैन गरम कर लिए। अब इसमें हम बटर देंगे, 2 tablespoon बटर देंगे। इसको पहले हम इस तरह से मेल्ट कर लेंगे। ये करीब हमारा 6 tablespoon बटर लगेगा सारी ब्रेड को फ्राई करने के लिए। हम ये शैलो फ्राई कर रहे हैं। आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। इस तरह से देखिए, बटर लगा के फिर हम तुरंत पलट देंगे। अब हम फ्राई करेंगे। एक मिनट समय लगेगा एक तरफ फ्राई करने के लिए। रबड़ी को भी उधर हम देख लेंगे। ये देखिए, फ्राई हो चुका, एकदम कुरकुरे हो गया है। थोड़ा कलर इसका ब्राउन हो जाएगा। उल्टी तरफ देख लेंगे, ये ब्राउन हो चुका। अब हम इसे निकाल लेंगे। 3 बार में हम सारी ब्रेड को फ्राई कर लेंगे। हर 4 piece ब्रेड के लिए हमारा 2 tablespoon बटर लगेगा। ये देखिए कितना कुरकुरे हो गया है। ये हम शैलो फ्राई किए, फिर भी ये देखिए कितना कुरकुरे है। इधर हम रबड़ी भी देख लेंगे। फ्लेम को हम मीडियम रखे हैं। पहले हम 15 मिनट हम रबड़ी को तैयार किए थे, दूध को उबाले थे, और फिर मीडियम फ्लेम में करीब 10 मिनट हम इसे घना करेंगे। ये हम पहले केसर दे दिए, फिर मधु भी दे दिए। ये आप और भी ज्यादा मधु दे सकते हैं। इसका टेस्ट थोड़ा सा लाइट मीठा होगा। इलायच पाउडर, फिर ड्राई फ्रूट्स भी हम दे देंगे। हाफ ड्राई फ्रूट्स हम अभी दिए, हाफ हम बाद में गार्निशिंग के लिए रख देंगे। रबड़ी बनाने के लिए करीब हमारा 25 मिनट समय लगा। ये देखिए, रबड़ी तैयार हो गया। हम फ्लेम को बंद कर देंगे। पहले हम 15 मिनट हाई फ्लेम में हम दूध को उबाले, फिर फ्लेम को मीडियम करके 10 मिनट तैयार किए। अब हम प्लेटिंग कर लेंगे। एक प्लेट में हम पहले नीचे हम थोड़ा सा रबड़ी को स्प्रेड कर देंगे इस तरह से, देखिए। फिर ये ब्रेड को हम इस तरह से हम रखेंगे, फिर ऊपर से फिर रबड़ी देंगे। ये रबड़ी से ही ब्रेड सोक करेगा और फिर सॉफ्ट भी हो जाएगा ब्रेड। 3 layer हम तैयार करेंगे। ऊपर से फिर हम ये रबड़ी को दे देंगे। ये बहुत अच्छी तरह से सोक कर लेगा ब्रेड में रबड़ी, और फिर सॉफ्ट भी हो जाएगा। ये मीठा, थोड़ा लाइट मीठा होगा। अगर आपको और ज्यादा मीठा खाना हो तब ऊपर से हनी या मधु दे सकते हैं। ये घर के सभी सदस्यों को आप दे सकते हैं। हम ये गार्निशिंग कर लिए इस तरह से, देखिए। अब हम सर्व करेंगे। ये देखिए, सर्व कर चुके।
हमें आपको काट के दिखाएंगे। हम इसे चाशनी में नहीं सोक किए, लेकिन देखिए फिर भी रबड़ी में इतना अच्छा ब्रेड सोक हो गया है। देखिए कितना सॉफ्ट हुआ है, ये खाने में भी बहुत टेस्टी है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छा लगा तो आप जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। ये हेल्दी साई टुकड़ा है। अगर ओरिजिनल जो साई टुकड़ा है वो अगर आपको देखना है तो आप जरूर हमें कमेंट कीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे। थैंक यू।